आज के दौर में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने वो कर दिया तो फिर पैसा ही पैसा, जस्ट लाइक मार्वल स्टूडियोज। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स इस शब्द को हमें इंट्रोड्यूस सुपर हीरो मूवीज ने ही किया है, और सुपर हीरो मूवीज को लेकर हमेशा से दो नाम चर्चे में रहे हैं। एक तो मार्वल स्टूडियो, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है, और दूसरा है डीसी, जो कि डिसअपॉइंटमेंट कंसिस्टेंटली हमें देता आ रहा है। पर चीजों को अच्छे से फायर मिलना तब शुरू हो गई जब वॉर्नर ब्रदर्स ने डीसी को एक अपना अलग अक्खा स्टूडियो दे दिया और उसके सीईओज बने पीटर साफरन और जेम्स गन। जेम्स गन जब से आए हैं तब से उम्मीद तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और भाई ने अपने कहा था कि वो डीसी को लेकर जो 10 साल उनके प्लान्स बन चुके हैं वो अपने सामने उनकी एक छोटी सी झलक दे देंगे, और ठीक 31 जनवरी को उन्होंने वो दे दिए। भाई अपने जबान का बहुत पक्का है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। जेम्स अद्दा ने ये कहा कि डीसी कुछ समय से ऑडियंस से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट रहा है, पर अब ये सब कुछ वो बदल देंगे। बस टॉड फिलिप्स की जोकर मूवीज और रॉबर्ट पैटिनसन की बैटमैन मूवीज को वो अलग ही रखेंगे, वो मेन यूनिवर्स में नहीं आएगी, उन्हें कहा जाएगा डीसी एल्सवर्ल्ड। लेकिन बाकी के सारे लाइव एक्शन मूवीज, टीवी शोज, गेम्स, एनिमेटेड शो, ये सब इंटरकनेक्टेड होंगे। जो एक्टर्स एनिमेटेड शो में उन कैरेक्टर्स को आवाज दे रहे हैं, अपनी वॉइस दे रहे हैं, वही एक्टर्स उन कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में भी प्ले करेंगे। और उसके बाद डीसी की इस साल 4 मूवीज आने वाली है जो कि पहले से अनाउंस थी, उनमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, थैंक गॉड। जिसमें हमें सबसे पहले दिखेंगे शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, जो कि कनेक्ट करेगी द फ्लैश से, और द फ्लैश मूवी सारे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट कर देगी। और जेम्स अद्दा ने यह भी कहा कि फ्लैश मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, उन्हें पर्सनली वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई, तो फिर हाँ अब थोड़ी थोड़ी उम्मीदें फ्लैश से भी बढ़ चुकी है। फिर दिखेगी ब्लू बीटल, जो कि न्यू डीसी से और भी अच्छे से कनेक्ट होगी। फिर दिखेगी एक्वामैन 2, बस खत्म। लेकिन फिर दिखना चालू होगा असली माल, न्यू टीवी शोज, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू मूवीज, और इन सबको उन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहले चैप्टर का नाम होगा चैप्टर 1, गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसमें कि सबसे पहले दिखेगा क्रीचर कमांडोज, ये एक एनिमेटेड शो होगा। उसके बाद हमें दिखेगी एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज अमेंडा वॉलर पे, जो कि पीस मेकर की टीम के साथ मिलकर काम करेगी, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली पीस मेकर का सीजन 2 भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझो। अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर को वही एक्टर प्ले करेगी जो कि उसे प्ले करती आ रही है, वो रिबूट नहीं होगी। फिर आएगा और भी ज्यादा मेन कोर्स, जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार होने वाला है, सुपरमैन लेगेसी। इसमें हेनरी केविल का सुपरमैन नहीं होने वाला है, नए एक्टर को कास्ट किया जाएगा, और इसकी स्टोरी को खुद जेम्स गन लिख रहे हैं। मूवी रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को। फिर दिखेगा और एक बिग टेलीविजन शो लैंटर्न्स, जिसमें कि ग्रीन लैंटर्न का मेन रोल प्ले करने वाले है रायन रेनॉल्ड्स। मजाक बॉयज। इसमें भी सारे नए एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। फिर दिखेगी और एक बिग मूवी जिसे लेकर जेम्स गन खुद बहुत ज्यादा पैशनेट है, द अथॉरिटी। द अथॉरिटी एक ऐसा ग्रुप होने वाला है जो कि वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो फिर हाँ देखने में मजा आएगा। फिर नेक्स्ट है और एक टेलीविजन सीरीज पैराडाइज लॉस्ट, ये वंडर वुमन का होम टाउन है, जहाँ पर कैसे सिर्फ वुमन रह गई, क्या उनका पास्ट था, क्या उनका कल्चर रहा है, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा। जेम्स दद्दा ने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के वेस्टरॉस जैसा कहा है, तो फिर हाँ ये देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर दिखेगी बैटमैन और उसके बेटे को लेकर एक कहानी, एक मूवी द ब्रेव एंड बोल्ड, जहाँ पर बैटमैन के पास एक रॉबिन होगा जो कि उसका खुद का बेटा डेमन वेन है, और इसी के साथ साथ बैट फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करना ये लोग शुरू कर देंगे। उसके बाद दिखेगी और एक टीवी सीरीज बूस्टर गोल्ड। बूस्टर गोल्ड बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर होने वाला है, जो कि अपने टाइम में बहुत बड़ा गधा होने वाला है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाकर वो सुपर हीरो बन जाता है, तो फिर टाइम ट्रेवलिंग का थोड़ा बहुत झमेला रहेगा, तो फिर या आई एम अप फॉर दिस बॉय, देखेंगे। उसके बाद कि और एक बिग मूवी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो, और ये मूवी बहुत डार्क होने वाली है, और हमें डीसी से डार्क ही चाहिए, तो फिर देखते हैं क्या देते हैं जेम्स का। फिर आखिर में आते आते लास्ट थिंग होगी स्वैम थिंग, जो कि उसके ऊपर भी एक मूवी आने वाली है। ये डीसी के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ मेन इवेंट में ये डीसी के जरूर हमें दिखेगा, तो फिर इसे भी देखते हैं। सो बस इतनी अनाउंसमेंट अपने जेम्स दद्दा ने की है। आप किस किस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।